उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 पर टाइम्स नव भारत का ओपिनियन पोल आया सामने, भाजपा आयोग की उड़ी नींद। जी हां, आपको बताया जाए कि उत्तर प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने वाली है। टाइम्स नव भारत के लिए वीटो ने ओपिनियन पोल किया है। इसके नतीजे बताते हैं कि 403 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन 230 से 249 सीटें हासिल करेगा। अगर ऐसा होता है तो योगी आदित्यनाथ 1985 के बाद से लगातार दो बार सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले पहले नेता बन जाएंगे। ओपिनियन पोल के अनुसार सबसे बुरी गत कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी की होगी। दोनों पार्टियां यूपी के चुनावी दंगल में सबसे कमजोर नजर आ रही है। पोल में यह साफ दिख रहा है कि लोग बीजेपी से नाराज है और इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। आपको बता दें कि 2017 में जहां भाजपा ने 320 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं अब 2017 के मुकाबले भाजपा को 70 से ज्यादा सीटों का नुकसान होता दिख रहा है और इनका फायदा सीधे तौर पर सपा को होता नजर आ रहा है। बसपा और कांग्रेस की हालात सबसे बुरी होते दिखाई दे रही है। ताजा सर्वे के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा पिछले 3 दशक के सबसे बुरे दौर में होगी। वहीं कांग्रेस के लिए 2017 रिपीट होता दिख रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शर्मनाक प्रदर्शन किया था। पार्टी को केवल 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। टाइम्स नव भारत का ओपिनियन पोल बताता है कि कांग्रेस बुरे प्रदर्शन का दौर 2022 में भी जारी रहेगा। पोल में कांग्रेस को 4 से 7 सीटें ही मिलने की भविष्यवाणी की गई है। यह अनुमान कांग्रेस की उम्मीदों को ठीक उलट है, जो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चमत्कार क्यास लगाए बैठा है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटी है। ऐसे में प्रियंका गांधी महिला वोटरों से सहारे चुनावी मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2022 में कुर्सी पाने के लिए जातिगत समीकरण में फिट बैठने वाले कई छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। इसके अलावा अपने चाचा शिवपाल को भी अपने पाले में ले आए। शिवपाल यादव ने भी उन्हें अपना नेता मान लिया है। उधर पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन पहले से ही चला आ रहा है। उनके साथ ही संयुक्त रैली भी कर चुके हैं। 12 अक्टूबर को कानपुर से समाजवादी विजय यात्रा रथ की शुरुआत के बाद अखिलेश अब तक कई चरणों में यात्रा पूरी कर चुके हैं। या वोटों में कितना तब्दील होगा या तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले और ताजा अपडेट के लिए हमें जरूर फॉलो करें। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।